डिप्टी जेलर आओ। सर, आपने मुझे याद किया तो कोई जरूरी काम ही होगा। सेवक हाजिर है। तुम्हारी जेल में खतरनाक कैदी है टाइगर, जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 5-6 खून कर चुका है पर एक भी साबित नहीं हुआ। उसे आज रात 10 बजे 1 घंटे के लिए बाहर निकालना है। बाहर निकालना है, मगर क्यों? उससे हमें खून करवाना है। खून करवाना है तो क्या उसे चाय पिलाने के लिए बाहर निकालोगे? उसे आज रात किशोरी लाल का खून करना है। साला कल तक जो हमारा नौकर था वो आज हमारी बराबरी करने चला है। इससे पहले कि वो कल खड़े होकर हमारे सामने नीलामी की बोली बोले, उसे खत्म करना है। विक्की बाबू और स्पेशल सेल में बंद है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। मैं उसे नहीं निकाल सकता। मैं ना सुनने का आदि नहीं हूं। तुम ये काम कर रहे हो, समझे? यस सर। टाइगर, टाइगर, आज रात ठीक 10 बजे मैं बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दूंगा। 3 मिनट के लिए अंधेरा हो जाएगा, खतरे की घंटी भी नहीं बज सकेगी। तुम्हारे सेल का ताला भी खुला होगा और उसी 3 मिनट में तुम्हें जेल से बाहर निकल जाना है। 3 मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। That's right. ये पढ़ो, इसमें बाहर जाकर क्या करना है ये लिखा है। ठीक रात को 10 बजे। Understand? चलो। कौन है? हिटलर? Yeah.
एक कैदी तो जेल से भागने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि वो अपराधी है। लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी वो है जिसने उसे जेल से भागने में मदद की है। ये तो बड़े शर्म की बात है। वो तुम में से कोई है, बताओ वो कौन है? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी आंखों में आंखें मिलाकर देखो। जब खतरे का अलार्म बजा तो तुम कहां थे? सर, अलार्म तो मैंने ही बजाया था। मैंने पूछा तुम कहां थे? अपने ऑफिस में। पावर कंट्रोल रूम में टॉर्च लेकर गए थे? सर, टॉर्च लेने का टाइम ही नहीं था। लेकिन फ्यूज पर तो तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब तुमने फ्यूज छुआ था। नहीं सर, फ्यूज में मेरी उंगलियों के निशान हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूज को अपने हाथ तक नहीं लगाया और मेन स्विच ऑन कर दिया। यस सर। तुम ड्यूटी पर हो, अचानक अंधेरा हो जाता है तो बिना टॉर्च लिए मेन पावर रूम में जाते हो, फ्यूज को चेक किए बिना तुम मेन स्विच ऑन कर देते हो, है ना? यस सर। क्योंकि तुम जानते थे कि कुछ ही देर पहले तुमने ही मेन स्विच ऑफ किया था और तुम वहीं पे खड़े थे। ये शट अप। अदर्स कैन गो। सर देखो, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं भी एक अफसर हूँ और अफसर पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। हाँ। ये कैदी की कोठरी का ताला खुला छोड़ देना कानूनी है। मेन पावर स्विच ऑफ कर देना कानूनी है। कैदी को भगाने के लिए 1,00,000 रुपए लेना कानूनी है। बोल। मुझे 1,00,000 नहीं सर, सिर्फ 30,000 बोले थे, सिर्फ 30,000। बोल किसने दिया? बोल। जल्दी बोल। बता दो सर, बताता हूँ। एक आदमी ने मुझे 3 मिनट में स्विच ऑफ करने के लिए 30,000 दिए थे। कौन है वो आदमी? सर, मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता। मैंने पहले उसे कभी देखा ही नहीं। You are suspended. टाइगर पकड़ा गया। सेवक ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन वो जेलर ठीक उसी वक्त वहां पे पहुंच गया। क्या नाम है उसका? सिद्धांत नाम है उसका। काफी हिकड़ू किस्म का आदमी, काफी सख्त। जेल के सारे कैदी उसे हिटलर के नाम से जानते हैं। हिटलर के नाम से पूरी जेल में उसकी दहशत है। साला किशोरी लाल किसी भी कीमत पर शराब का ठेका छोड़ने वाला नहीं है। अब क्या होगा? नीलामी से पहले मैं किशोरी लाल से मिलना चाहता हूं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि हर साल शराब का ठेका हमारे भाई के नाम पर छूटता है, और ये सब जानते हुए भी तुम हमारे रास्ते में आते हो। तुम्हारी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। जिसके पास दौलत होती है वही जंग जीतता है। अगर तुम्हारे भाई में हिम्मत है तो मुकाबला करके बताओ। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमसे जबान लड़ाने लगा, कल तक हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, हमारे नीचे काम करने वाला, आज हमारे सामने ऊंचे सुर में बोलने लगा है, हमसे मुकाबला करने चला है।
अंकुश राज, अगर तुम्हारा एक हाथ उठेगा तो मेरे चार हाथ उठेंगे और यह सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कल होगी, कल। भैया आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? ये लो, पैसा देने के लिए मेरी मनाही नहीं है, लेकिन टाइम पे पैसा वापस ही नहीं मिलता। नहीं सेठ जी, इस बार आपको शिकायत नहीं होगी। कल शराब का टेंडर खुलते ही एक महीने के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे। ये वादा अपने भाई अंकुश को बता देना, बात बात में टेंपर लूज करता है वो आदमी। इस बार नहीं होगा सेठ जी, चलता हूँ। माय डियर सिस्टर, क्या आप ये आवाज कम कर सकती हैं? मुझे भी गाने सुनने हैं। माय डियर दीदी, अगर आपको गाना सुनना है तो आप आइए, भाव उठाइए और उस समय मचाइए। ये क्या बदतमीजी है? दिखताने में कराटे की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। माय डियर भतीजे, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन बन जाओ। मैं ये गाने कहीं और सुन लूंगी, समझे? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या गाना है, जी चाहता है कि मैं नाचती ही रहूं। तो नाचो ना भाभी। रानी, क्यों ना हम ये गाना सुनते हुए कैरम भी खेलें? वाओ, व्हाट एन आईडिया। वेरी बैड, वेरी बैड। भाभी, 15 से मेरे एग्जाम्स हैं, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल दिल ही नहीं लगता। अरे पढ़ाई करके कौन आगे बढ़ा है, मुझे ही देखो, आखिर लॉ करके मैं हाउसवाइफ ही बन गई ना। अरे औरतें कितना भी पढ़ाई करें, उन्हें आखिर घर बैठकर खाना ही पकाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा भाभी। भाभी, भैया आ गए। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया, बहुत अच्छी भैया। एग्जाम कब है? 15 से। और मुन्ना तुम्हारा? डैडी मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए। डैडी ये रहे मेरे मार्क्स। लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक कर लिया करो। ओके डैडी। कॉफी। पता है इस साल छोटी क्लास में फर्स्ट आएगी, बेचारी बहुत पढ़ाई करती है। और देख लेना, बड़ी भी इस साल बीए पास कर लेगी। हाँ सोच रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूँ। है कोई नजर में? हाँ लड़का तो ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, नौकरी कर रहा हो, अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझ रहा हो। वैसे तुम्हारा वो प्यारा सा देवर कहाँ है? बेचारा भटक रहा होगा नौकरी की तलाश में। तुम हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती हो। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ, ये क्यों नहीं कहती कि अपने आवारा दोस्तों के साथ कहीं मस्ती कर रहा होगा? उस जलन ने मेरी बेइज्जती की है, बहुत बुरा किया उसने।
उसने मुझसे पंगा लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई साहब, आपका भी इसके साथ खुदकुशी करने का इरादा है क्या? तू, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तेरे भाई एक जिम्मेदार अफसर है ना? मैं जानता हूं मोंटी, लेकिन जब भी कोई मेरे भाई के बारे में कुछ बुरा कहता है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल ठीक है, अब रहने देना। पॉपकॉर्न खाएगा? 5 रुपए हैं मेरे पास, चल। ये कुछ टाइम है तेरे घर आने का? हाँ भैया सो रहे। हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा दूँ, चलो। अरे भाभी आहिस्ता, धीरे बोलो, भैया जाग जाएंगे। सॉरी भाभी, भाभी आज मैं और मोंटी एक ऐसी जगह गए कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। वहाँ पहले खाना, चलो। अरे वाह भाभी वाह, वाह भाभी वाह। वो भी भाभी, क्या खुशबू आ रही है भाभी, तुम कितनी अच्छी हो। इतनी रात तक क्या कर रहे थे? इसे खाना तो खा लेने दो। आप चुप रहिए, बोलो कहाँ गए थे? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं का क्या मतलब? सड़कों पे भटक रहा था। क्यों, घर नहीं आ सकते थे? बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं, जल्दी घर आता हूँ तो आपके बेकार सवालों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, तो मेरे सवाल बेकार हैं? अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना बेकार नहीं, लोगों के साथ झगड़ा करना बेकार नहीं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना बेकार नहीं। अरे आखिर तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्या नौकरी करूं मैं? आजकल बिना सिफारिश और रिश्वत के तो नौकरी मिलती नहीं है। सिफारिश तो आप नहीं कर सकते और रिश्वत के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इसमें चाहे मेरी जिंदगी क्यों ना बर्बाद हो जाए। अरे आखिर आपको मेरी क्या चिंता है? हाँ मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ ना। देखा, जो भाई मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, आज बराबर का जवाब दे रहा है। किसी को लगातार डांटते रहोगे तो वो एक दिन दुखी होकर जवाब देने लगेगा और फिर हम लोग उसी को ही दोषी ठहराएंगे। हम ये भूल जाएंगे कि हमी ने उसे जवाब देने पे मजबूर किया है। मैं जानता हूँ तुम शादी से पहले वकील रह चुकी हो, गलत को सही और सही को गलत साबित करना तुम्हें अच्छी तरह से आता है, और बहस में मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता। लेकिन हमेशा उसकी वकालत करके तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे सिर पर चढ़ा रखा है। लेकिन जब उसी बात में फंस जाएगा तब तुम बहुत पछताओगी। 80 क्यों भैया? 80 ऐसे गुजरी रात, मजा आया भैया की डांट खाकर? अरे छोड़ ना मुन्नी, सुबह सुबह बड़े भैया की क्या बात करना। वैसे भी तुझे भैया की आदत तो मालूम ही है ना, बिना डांटे उन्हें खाना हजम ही नहीं होता। और वैसे भी भगवान ने हमें 2 कान किस लिए दिए? किस लिए चाचू? एक कान से सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। यस, भगवान ने एक दिमाग भी बनाया है, उसे अच्छे काम में इस्तेमाल करने के लिए। ये अरे ये क्या भाभी, मुझे तो चाय चाहिए थी। एक्सरसाइज के बाद शरीर को ताकत की जरूरत होती है और ताकत मिलती है दूध से, इसलिए दूध जो है वो चुपचाप पी जाओ, वरना 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 क्या कर लोगी भाभी, भैया से शिकायत कर दोगी? अरे मैंने भैया से ना डरने का फॉर्मूला बना लिया है भाभी। फॉर्मूला? हाँ। अरे सिंपल सी बात है भाभी, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। अरे तुम्हारे भैया तुम्हारे दोनों कान ही निकाल देंगे। वो तो है, नाम हिटलर क्या है, इस घर को जंग का मैदान बना दिया है।
एक बात बताओ भाभी, आपने इस पत्थर दिल पर फूल कैसे उगा दिए? मेरी जादू से। अरे तुम्हारे भैया तो बहुत हिटलरी झाड़ते थे, फिर मेरी जुल्फों के जाल में ऐसे फंस गए कि आंखों से प्यार और होठों से इजहार करने पे मजबूर हो गए। गालों से खेलूं मैं, होठों को छूलूं मैं, गालों से खेलूं मैं, ना पापा ना, होठों को छूलूं मैं, ना पापा ना, ओ बालों से खेलूं मैं, ना पापा ना, बाहों में ले लूं मैं, ना पापा ना, तेरी ये ना से खेलू मैं, ना पापा ना, होठों को छूलू मैं, ना पापा ना, गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, तूने मेरा होश उड़ा, चक्कर चलाएगी, नर बाबा ना, मिलने को आएगी, ना बाबा ना, जिंदगी चार दिन कुछ नहीं प्यार दिन, यूं जो तड़पाएगी पीछे पछताएगी, सुन मेरी दिलरुबा क्या तुझे है पता, जिसम तू जान मैं होंगे कैसे जुदा, कोरे कागज पे लिखवा ले जो कुछ है मेरा अपना, सेहरा सजाऊं मैं, हाँ पापा हाँ, डोली ले आऊं मैं, हाँ पापा हाँ, दुल्हन बनाऊं मैं, हाँ पापा हाँ, कलिया बिछाऊं मैं, हाँ पापा हाँ, तेरी आँखों से मेरे साजन दूर नहीं मुझको रहना, गालों से खेलूं मैं, हाँ पापा हाँ, होठों को छूलूं मैं, हाँ पापा हाँ, बालों से खेलूं मैं, हाँ बाबा हाँ, बाहों में ले लूं मैं, हाँ बाबा हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस दसवां टीवी, टीवी वे दसवां टीवी, चकरकान मम चकरकान मम चारा चिंगा फोरी दसवां टीवी। ए मैन, ते तू चोर है? या मैं चोर हूँ। तू चोरी क्यों की थी? ये आपका हॉलर किसने बनाया? ए हवलदार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? ओ आप इंस्पेक्टर है? ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या? अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार, वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर। वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर। शट अप। तू ए दस, तू चोरी क्यों की थी? साड़ी तरक्की वास्ते की थी। मेरी तरक्की दे लाई? अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे? क्या बोला?
मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे? अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा? आपकी तरक्की कैसे होगी? आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? मैं इंस्पेक्टर हूँ। ठीक है भाई, बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है। तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन। 9 टीवी मिल गए हैं, 10वां किधर है? क्या बात है, पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी? क्या मतलब? मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया? चाचा, इतना मारूंगा। क्या फायदा, आप थक जाओगे साहब जी। सुधर जाओगे। अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है। जब देखो तब छोटे चोरों को धमकी देते रहते हो और बड़े चोरों के सामने दुम मिला रहते हो। आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं? क्यों बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है? अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता शट अप शट अप शट अप। तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते? मैं हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है। वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है। शट अप शट अप, मत बोलो, शट अप, फोन उठा लो। मैं हवलदार बोल रहा हूँ, नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। कौन? मैं रमा बोल रही हूँ। डार्लिंग, गुगरी बुची गुगा मुंगू लोची गो, बोलो। अब अभी घर आ जाइए। मैं भी घर आता हूँ, नाराज नहीं होना, मुझ ना गुगी ना गोलची गो गु बुच, आता हूँ। इसको पकड़ कर अंदर डाल दो। ओके सर। अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी उल्लू दे आप पठिया। हवलदार, मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना। ओके, शट अप। ए देखो कैसा लगा? अरे ये कब लिया? मैंने खरीदा 3000 रुपए में। 3000 रुपए में? हाँ। इतना सस्ता? एक मिनट। क्यों? ये तो वो 10वां टीवी लगता है, कहीं वो चोरी का तो नहीं है? चोरी का हो या साहूकारी का, मुझे क्या, मैं तो इसे खरीदा है। चोरी का माल खरीदना जुर्म है, जुर्म। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस अफसर हूँ, कभी रिश्वत नहीं लेता हूँ। तुम नहीं लेते हो तो क्या हुआ, मगर मैं लेती हूँ। इसी से तो ये टीवी आई है और तुम्हारी वर्दी भी। अरे 4 बज गए, अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। ओ भाव, कशाला भड़कता है पुकच्चा, मैडम ने आज बुलावला है तुमसे। हाँ, मुझे ही बुला। अबे साले तू तो बड़ा किस्मत वाला है यार, हम सबसे पहले तेरा नंबर आ गया। बेस्ट ऑफ लक। गाड़ी बहुत अच्छी है। मे आई कम इन मैडम? कम इन। कहां तक पढ़े हैं आप? बीए पास हूं। एमए क्यों नहीं किया? लेकिन इस नौकरी के लिए बीए मांगा था, पर अब हमारा माइंड चेंज हो गया है। जाओ पहले जाकर एमए करके आओ, और हाँ जाते जाते बाहर सबको बोल देना कि इंटरव्यू हो गया है। यू मे गो नाउ। क्या हुआ यार? अरे यार बड़ी बदतमीज लड़की है, नौकरी वोकरी किसी को नहीं देना है, बस खामोखा इंटरव्यू। तो हमको क्यों सुबह से बिठा रखा यार? अरे मुझे क्या मालूम, मैंने बैठा के रखा है क्या? मैं देखता हूँ इसको। अच्छा सर, वो नौकरी मैंने तेरे भाई को दे दी। नो प्रॉब्लम यार, कम ऑन, बाय। अरे ओ मैडम, अगर आपको यूं ही नौकरी फोन पर देनी थी तो हम सबको यहाँ बुलाकर हमारा वक्त जाया करने की क्या जरूरत थी? तुम बेरोजगारों के पास होता ही क्या है इन चंद डिग्री और वक्त के सिवा? जिस दौलत और घमंड का नशा तुम अपने सर पर लेकर घूम रही हो ना, एक दिन कोई सरफिरा आएगा और इसे चूर चूर कर देगा। हाउ डेयर यू। आज इस बेरोजगार से मुफ्त में एक नसीहत ले लो मैडम, तमीज से बात करना सीख लो, वरना ये शोहरत वाली जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी और तुम अपनी झूठी शान के नशे में खोई रहोगी। स्टूपिड इडियट। हां जी योर ऑनर, ये घरों से टीवी चोरी करता है, गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं। मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब, नरक में भी नहीं। मस्का मारना है? अच्छे खानदान के लगते हो, फिर चोरी क्यों करते हो? जग का भला करने के लिए जज साहब, ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब। टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है,
और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं। जज साहब मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ, जज साहब सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ। जज साहब चोरी करना पाप है, सेवा करना पुण्य। 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा। वाह क्या इंसाफ है माय बाप। अरे 1 साल तो क्या माय बाप, आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ। 6 महीना कर दिया। आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप। 4 महीना कर दिया। आपके चरण कहाँ है जज साहब। 1 महीना कर दिया। हो जय हो जय हो। इससे कम सजा नहीं होगी, दूसरा केस पेश करो। धन्यवाद धन्यवाद, जज साहब की जय हो। जज साहब हवलदार इतना मारूंगा इतना मारूंगा। बाद में लेना, पकड़ो चलो। फॉलो मी। शट अप। मैं क्या सरकार। आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो। अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं। वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे। रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे। अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बोलो कितने कैदी लेकर आए हो। 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें। शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितने साल की सजा हुई है साहब। तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, आपकी बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपने इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा मारा है कि नहीं। अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं। तुम कहो तो 5-स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का घपला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता। ए, कपड़ा भी लेके जा चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना समझे। अपने बच्चों का दोस्त है। साहब रेडिएटर गर्म हो गया, तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। सलाम साहब। अरे बंद करो साहब भैया। इसका मतलब हर रोज इस घर में यही हंगामा होता रहता है, यही तुम लोग की असलियत है। और ये लाल बत्ती चलते ही तुम लोग शरीफों की तरह चुपचाप पढ़ने लग जाते हो। इतने दिनों तक तुम सब मुझे धोखा देते रहे और इनका साथ देती रही तुम। ये जंगियों की तरह नाचना गाना कूदना, कौन कहेगा कि ये शरीफों का घर है। आज के बाद इस घर में ना नाचना होगा, ना गाना होगा और ना ये टीवी होगा। भाभी अब क्या होगा। मम्मी। भाभी डरो मत, मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मैं मना करता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से घर में टीवी लाना पड़ा। अब देख लिया नतीजा,
ना पढ़ना ना लिखना, हर समय टीवी टीवी टीवी। इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है, वो तीनों तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और अपने भाई को धोखा दे रहे, लाल बत्ती जलते ही नाचना गाना बंद और पढ़ाई का नाटक करने बैठ जाते हैं। उन्हें ये नाटक तुम्हारी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहे। उनका नाचना गाना हंसना खेलना शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है। अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम मचाएंगे? तुमने तो इस घर को जेल खाना बना रखा है, जहाँ बच्चे आराम से जी भी नहीं सकते। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हंस रहे थे खेल रहे थे, अब वही बच्चे रो रहे हैं। तुमने उनकी मुस्कुराहटें छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे दिए हैं। तुमने उनका टीवी नहीं तोड़ा है बल्कि उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। सुनो, तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी, हा हा, मैं तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। रूठ के ना जा रुक बेदर्दी, दिल को जलाए फिर मस्का लगाए, पीछे पीछे आए अब काहे को मनाए। जानू मैं तो जानू तेरा तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। रूठ के ना जा रुक बेदर्दी। फिल्मी हीरो की तरह रोमांस करूं मैं तू चक्रवर्ती बन के डांस करूं मैं। फिल्मी हीरो की तरह रोमांस करूं मैं तू चक्रवर्ती बन के डांस करूं मैं। Hey, I am a disco dancer, dancer. I am a disco dancer, romancer. तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। रूठ के ना जा ना जा रुक बेदर्दी। मेरी जिंदगी है जान तू मेरी जान है, मेरे सोने वाले अंडों की तू खान है। अरे समझो ना, मेरी जिंदगी है जान तू मेरी जान है, मेरे सोने वाले अंडों की तू खान है। गुटर गुटम गुटर गुटम गुटर गुटम गुटर गुटम है, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। गुटर गुटम गुटर गुटम गुटर गुटम। तूने भरी जवानी में मेरी हालत कैसी कर दी। चल फोन, मैं तेरा मुर्गा तू मेरी मुर्गी। रूठ के ना जा रुक बेदर्दी। जी
भी मैं दिलाऊंगा मान भिजा, नया फ्रिज ले आऊंगा मान भिजा। तुझे टीवी मैं दिलाऊंगा मान भिजा, नया फ्रिज ले आऊंगा मान भिजा। सिनेमा दिखाऊंगा बच्चे भी खिलाऊंगा, नखरे उठाऊंगा मान भिजा। सुख दुख दोनों मौसम के हम साथी साथ जन्म के, अब मान भी जाओ दिल पर जिद छोड़ दे अब तू बस कर। गर फिर भी तू ना मानी मर जाऊंगा क्या हुआ जी, कोई सपना देखा क्या? जी नहीं। चलो सो जाओ। तो तुम दोनों को काम चाहिए। जी हाँ सर, काम की भी जरूरत है और पैसों की भी सर। काम भी मिलेगा और पैसा भी। तुम दोनों चाहो तो एक घंटे में 25,000 रुपए कमा सकते हो। एक घंटे में 25,000? काम क्या है? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, इन बाजुओं में ताकत भी है और दिल में हिम्मत भी। लेकिन तू काम के बारे में क्यों पूछ रहा है? जो भी काम है कर लेंगे, और वैसे भी हम इतने बिजी नहीं है, भूल गया? मॉन्टी, काम के नेचर के बारे में मालूम करना बहुत जरूरी होता है। आसानी से पैसे कमाने का रास्ता कहीं जुर्म की तरफ तो नहीं जाता? जाता तो है, काम स्मगलिंग का है, मगर तरक्की का यही सबसे छोटा रास्ता है। तो फिर माफ कीजिए, हमने आपका वक्त बर्बाद किया। चल मॉन्टी। एक मिनट अमर, अमर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं यार, ऐसे मौके बार बार आते हैं मॉन्टी, और फिर जिंदगी भर संभलने का मौका नहीं मिलता। तुझे काम करना है तो कर, मैं चला। अमर, अमर कौन है ये लड़का जो हमारे मुंह पर थूक के चला गया? ये जेलर सिद्धांत का भाई है। जेलर? ओह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने हाथ से गवा दी। हाँ हाँ, जेल जाने का अपॉर्चुनिटी है ना। कितना डरता है यार तू। अरे मैं डरता नहीं हूँ यार, एक बात सुन ले तू, जुर्म की दुनिया की जमीन में बहुत चमक होती है, अपनी तरफ खींचती है वो, और जिस चीज में चमक होती है ना उसमें फिसलन भी होती है। एक बार फिसले ना तो बार बार फिसलता जाएगा, गिर जाएगा, इतना गिरेगा कि सारी दुनिया की नजरों में गिर जाएगा तू। तेरा डर हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। एक चीज बोलूं? बोल। एक जमाना था 200 साल पहले जब इंसान इंसान को सलाम करता था, अब पैसा पैसा को सलाम करता है, समझा क्या? हाँ, कुत्ता कुत्ते को भी सलाम करता है ना। यार क्या बकवास कर रहा है तू? बराबर बोला मैन, 100% कट। रुपया कमाना भी एक आर्ट है। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है, जरा आपको एड़ा बनाया, हमको टेढ़ा बनाया है। 10 मिनट में 10,000 रुपया कमाने के? क्या 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 क्या? 10 मिनट में 10,000? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। देखिए, अगर 10,000 रुपए ईमानदारी से कमा कर दे सकते हैं आप तो ठीक है, बेईमानी के 10,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कर। थैंक यू वेरी मच मैन, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जितना डरेगा उतना फंसेगा। सुनो इनकी बात सुनो। ए भाई, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कीमत है, बोलो क्या बोलता है। इसकी बात छोड़िए, सुनिए भाई साहब, वो 10,000 कैसे? वो सामने लड़की दिख रही है? लड़की देख रहे हो? हाँ देखा। मैं इस लड़की को किडनैप करूंगा और उसके बाप से 2,00,000 रुपए डिमांड करूंगा। तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चक्कर है, आपने कहा था कि 10 मिनट में 10,000 कमाऊंगा मैं। हाँ। तो 10 मिनट में बताता रहूंगा, तुम मिनट गिनो मैन। ठीक है, मैं 2 मिनट में उस लड़की को किडनैप करूंगा, 2 मिनट में उसके बाप को फोन करूंगा, 2 मिनट में उसका बाप पैसे बटोरेगा, 2 मिनट में मेरे पास आएगा, 1 मिनट में वो मुझे पैसे देगा, 1 मिनट में तुम्हें पैसा दूंगा। कितने मिनट हुए? अरे यार बिल्कुल सही, 10 मिनट हो गए ना, एक इधर ना एक उधर। अच्छी चीज बताओ, लड़की को किडनैप कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए? कैसे कैसे किया जाए? ये तो वो आर्ट है,
यही है वो आग जिसे लड़की पकड़ेगी खाट रुमाल से। ये रुमाल नहीं, इस रुमाल में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, बेहोशी की दवा। तुम जाकर उस लड़की को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, और ये बेहोशी की दवा का रुमाल उसके नाक पर सुलाओगे, लड़की दो सेकंड में बेहोश। ऐसे यार, यार कमाल का आइडिया हमारा। इसको भी बुलाया क्या? हम लोग कम थे। मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। अरे अमर, लड़की को छोड़, मुझे बचा यार। ठीक है, ठीक है। नीचे उतारो मुझे। थैंक यू की जरूरत नहीं है मैडम। माय फुट, तुमने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? क्या बोल रही है बॉस? ये लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किडनैप करने के लिए भी मैंने ही बुलाया था, ताकि मैं अपने कंजूस बाप से 50,000 रुपए निकलवा सकूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मेरे 50,000 रुपए और मेरी गाड़ी। अरे वाह मैडम, क्या कमाल का ट्विस्ट है। हम दोनों को तो पता ही नहीं चला। लेकिन अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। एक काम करते, उनकी जगह हम दोनों आपको किडनैप कर लेते हैं। 10,000 हम दोनों बांट लेंगे, 40,000 आप रख लीजिए। क्या बोलता है गुरु? वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू। जो लड़की अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है, वो हम बेरोजगारों को क्या छोड़ेगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैडम, हम खुददार लोग किसी की मेहरबानियों के मोहताज नहीं होते। अरे अरे, ये तो निकालो। निकाल। चल मोटी। क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर देखता हूँ? मैं नहीं, वुमेन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमेन बोला। वैसे वुमेन, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ हुंडो ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं, ओ उन गुंडों में से आपको जिसने बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या खास बंदा है अपना? तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उससे मिलवाओगे? जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलाएंगे। लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है,
30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो, जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे जो बोल दिया बोल दिया, सौदा मंजूर है। मंजूर, ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना, तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है? ओके ओके। बाबा बाबा, 10,000 का सवाल है बाबा, इस बंदे को कहाँ ढूंढूंगा, कल इधर ही मिला था बाबा, अब कहाँ होगा, किधर होगा बाबा, इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमैन साहब, हेलो, कैसे हैं आप? बाबा बाबा, 10,000, देखा मेरी किस्मत। अरे भाई, आपको कोई ढूंढने आया था? अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं, कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके ले आऊंगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है। ओमैन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बाय। बाबा, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 10,000 रुपए हाथ आए पैसे निकल गए बाबा। पैसा बर्बाद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी कहाँ मांग रही हूँ डैड, मैं तो पूरे 10,000 रुपए मांग रही हूँ। मैंने कहा ना, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इतना सारा पैसा भगवान ने आपको दिया है, क्या करेंगे? अट्ठी में अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन बर्बाद करने के लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा, ओए हैंडसम, तो खड़ा हो जा। कौन हो तुम? लो क्या खड़ा? ओए हाथ में चाकू, समझ नहीं आता तेनो कि घर को चोरी आया हो ना? मेरे घर में क्या करने आए हो? अरे शहर में मुझसे और भी बड़े बड़े रईस पड़े हुए हैं, कहो तो उनका नाम बता दूं। ओए ज्यादा बात की तो चाकू तेरे पेट में हो ना। मैंने 20,000 रुपए चाहिए, निकाल के दे अभी। 20,000 रुपया? अरे मैंने मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ा, मैं नहीं दूंगा। ओए चाकू तेरे पेट में जाना फिर। नहीं नहीं, देता हूँ देता हूँ देता हूँ। ये ले। सत श्री अकाल जी। चोर चोर चोर। बल्ले बल्ले, शराफत से 10,000 रुपए मांग रही थी, नहीं दिए। दादागिरी से 20,000 रुपए लेकर आई हूँ। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। चोर 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 चोर। अरे पकड़ लिया सेठ जी, पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं प्रिया हूँ। कौन प्रिया? अरे उस दिन वाली। किस दिन वाली? अरे उस दिन वाली, चलो बताती हूँ तुम्हें, चलो। अच्छा, तो तुम चोरी भी करती हो? अरे बाबा, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? हाँ। तो फिर ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। मेरी खातिर? तुम्हें पाने के लिए 10,000 रुपयों की जरूरत थी। मुझे पाने के लिए 10,000 की जरूरत थी? क्यों? बुद्धू महाशय, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? हाँ बाबा, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। दिल दे बैठी हूँ? हाँ, चोरी चोरी। मत वाला दिल के
हसीन समा है प्यार का जरा मेरे करीब से आया तो मुझे पता चला कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ और उस कत्ल का जिम्मेदार है अंकुश राज। ए हेलो, अंकुश राज इस शहर का निहायत ही शरीफ आदमी है। बदमाशों का शराफत का चोला पहनाकर आप कानून और इस वर्दी की बेइज्जती कर रहे हैं। उसके इन्फ्लुएंस में आकर आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं इंस्पेक्टर, और इस केस को रीओपन करवा के हर हाल में सच्चाई की तह तक पहुंच के रहूंगा। विकी है किशोरी लाल मर्डर केस रीओपन करने के लिए किशोरी लाल का वकील भाई अमेरिका से यहां पहुंचा है। वो किशन लाल है कहां? Oh!
मेरा भाई जेल में है हुँ? मेरे भाई को जेल में भेज दिया गया और तुम देखते रहे। लेकिन उसमें मैं और कर भी कह सकता। जेलर ने तुम्हारे भाई को कत्ल करते वक्त खुद की आंखों से देखा था और उसने अदालत में वैसी गवाही भी दी। और एक बार जेलर के नजरों में मुजरिम आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। जेलर कौन है वो जेलर? सिद्धांत, सिद्धांत कुमार। मैं उससे मिलना चाहता हूं। भैया भैया मुझे बचा लो, इस जेलर ने मेरे को बहुत मारा है। नहीं विक्की, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ये हालत करने वालों को मैं बाद में देखूंगा। लेकिन कल सूरज डूबने से पहले तुम जेल से बाहर होगे, चाहे उसके लिए मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े। इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है, अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है जो हर खूनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है। तो तुम ही हो वो जेलर जिसने मेरे भाई को पकड़ा था? बेकार में इतनी तकलीफ की। बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए कितने रुपए चाहिए? सोच क्या रहे हो? जो मांगना हो मांग लो, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जाओ किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरीद नहीं सकती। जेलर, आग में इतना घी मत डालो कि तुम भी जल जाओ। चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते। अब तुम्हारे भाई की चीता तैयार हो रही है। किसकी चीता कब चलेगी ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो कि कल सूरज डूबने से पहले मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा। तुम रोक सको तो रोक के देख लेना। आ, 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 आ। जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकुश राज, ये तुम्हारे पास जितनी अकल, जितनी चालाकी, जितनी ताकत है सब लगा ले, फिर भी ये तुम्हारा भाई कल रात यही मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज है जेलर, और अगर मैं इसे कल निकालने के तो ये सिद्धांत कुमार शर्मा ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा। हेलो सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि अंकुश आज अपने भाई को पेरोल पर छुड़ा रहा है। लेकिन देखना कि ये बात रमेश तक नहीं पहुंचे। ओके सर। जेलर, मेरा भाई मेरे लिए पैरोल ऑर्डर ला रहा है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पेरोल तो क्या कोई नहीं छुड़ा सकता। गिरफ्तार कर लो इसे।
क्या देख रहे हो? ये लीजिए जेलर, विक्की को पैरोल पर छोड़ने का ऑर्डर। और अभी सूरज डूबने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी भर्ती उतारेंगे? ये पैरोल का ऑर्डर उसके पिछले अपराध के लिए दिया है, लेकिन आज उसने एक और अपराध किया है जेल से भागने का, जो इस ऑर्डर में शामिल नहीं है, इसीलिए वो इसी जेल में रहेगा। वैसे सूरज डूबने में अभी भी 2 घंटे बाकी है, कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जरूर करूंगा, और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुश राज क्या कर सकता है। मैं तुझसे अपने भाई की हर चीख हर आंसू का हिसाब लूंगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, उसी तरह तू भी तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा और कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आओ। जा मैं जाता हूँ, वहां कोई रहता ही नहीं है। यहाँ तो बहुत माल है मैं, कहाँ से शुरू करूँ? हाँ यार, कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? है अनारकली, बोल बसंती। ये भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया? माफ कर मेरी माँ गलती। हाँ यार मेरे राजा, कहाँ चला, और भी चाहिए? नहीं नहीं बस बस बस। ए अनारकली, इसका क्या करना री? इससे तो मैं शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? आए हाय, तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियां रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा, देख। मेरी माँ, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना, अब मैं जाऊँ? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। मन के है जड़ा चली प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। मन के है जड़ा मैं प्यारी दुल्हनिया चली। रिया तुम भाभी से मिलो तो सुनो। भाभी भाभी, क्या है अमर? नमस्ते, ये कौन है? भाभी ये वही। वही कौन अमर? वही भाभी, मैंने आपसे बात तो की थी ना कि वो मेरी वो। ओ, समझ गई, तो ये प्यार का मुकदमा है, कहीं भैया के पुलिस स्टेशन में ना चला जाए, इसलिए भाभी के कोर्ट में लाया गया है। हुँ? सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना। मगर भाभी, बीच में बोलना कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, जब तुम्हारी बारी आएगी तब जवाब देना। तुम्हारा नाम? प्रिया। तुम अमर से प्यार करती हो? जी हाँ, इसीलिए तो। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुम दोनों के पेरेंट्स इस बात को जानते हैं? नहीं। अगर उन्होंने तुम दोनों की शादी से इंकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? तो फिर हम बगावत कर देंगे भाभी। अब अमर, तुमसे सवाल नहीं पूछा गया है। सॉरी मिलॉर्ड। तुम बोलो। जी वही जो अमर ने कहा, बगावत। कोर्ट में बगावत नहीं, अपील की जाती है। डोंट वरी, तुम दोनों के प्यार की खातिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसका मतलब कि इस कोर्ट में हम जीत गए? हाँ, मैरिज ग्रांटेड। अभी मैं जरा प्रिया को घर छोड़ कर आता हूँ। चलो। आउच।
कैसी थी वकील साहिबा? रोको रोको, भाभी किसकी थी? जेलर का भाई, मेरी बेटी के साथ। चलो ड्राइवर। I'm sorry मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है क्या? सोचता है आपका भाई आप पुलिस में है इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है, थाना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं, आपका भाई मेरी बेटी पे डोले डाल रहा है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो, दूसरे की हराम की कमाई खाओ, क्या यही सिखाया आपने अपने भाई को? बस बस, आप जाइए, मैं देखता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन आज मेरे ही दफ्तर में एक मामूली इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया। उसने आरोप लगाया कि मेरे पास अपनी बहनों की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उससे शादी करो, उस इकलौती बेटी के बाप की दौलत हासिल करो जिससे सिद्धांत कुमार शर्मा अपनी बहनों की शादी करा सके। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बनाई थी आज उसे खाक में मिला दी तुमने। अरे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं ये घर बार बेच कर तुझे पैसे ला कर देता, लेकिन पैसों के लिए प्यार करना, एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, छी छी। अब चुप भी कीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप, और अमर तुम चुपचाप खड़े सुन क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते अपने भाई को? सच क्या है, कह क्यों नहीं देते तुम? क्या जवाब तुम्हें भाभी, क्या बताऊं मैं, कौन मानेगा मेरी बात? अरे भाभी मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, बेकार बदमाश आवारा, पैसों के लिए प्यार करने वाला, दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला। अरे भाभी कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास? अरे इनके लिए तो वही सच है जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया, इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूं और मेरा भाई मान गया। आते ही बरस पड़े मुझ पर, सारे आरोप लगा दिए इन्होंने मुझ पर। अभी ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत, लेकिन जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गालियां देने लगे तब एक छोटा भाई सिवाय चुप रहने के अब कुछ नहीं कर सकता। अमर नहीं भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही। अमर तुम अमर के बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, अमर ने किसी लड़की को नहीं फंसाया है, मोहब्बत की पहली पहल उस लड़की ने की थी, अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जाकर उससे एक से कह देना हम थूकते हैं उसकी दौलत पर, हमें उसकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता, आखिर वो मेरा भाई है, कोई पराया तो नहीं? लड़की कैसी है, तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छी है। उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, आखिर मैं बड़ा भाई हूं। ऐसे ही होता है, चल भाई। अरे अमर, ओए तू इतने गुस्से में कहां जा रहा है? सेठ दौलतराम को भैया की बेइज्जती का जवाब दे। देखो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दे रहे हो या नहीं? नहीं, जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं मैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करता। पहले मुझे 2 करोड़ रुपए वापस करो, उसके बाद दूसरी बात करना। मैं कहीं भागा जा रहा हूं क्या?
सब मिल जाएगा। 6 महीने से कह रहे हो कि सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर देखो 8 दिन के अंदर मेरा 2 करोड़ रुपए वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा मकान, तुम्हारी जायदाद नीलाम करवा दूंगा और तुम्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दूंगा, समझे? रिलैक्स। लगता है अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। 8 दिन में तुम्हारी सारी रकम लौटा दूंगा। ठीक है। अरे अरे कौन हो आप लोग? भाग दो आप लोग। वकील साहब, मैं दौलत राम बोल रहा हूँ, घर पे आते प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कहा था तुमने मेरे भाई से? उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ बाहर जाके थूको, यहाँ क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ, क्या करने का तू? अपने भाई का अपमान करने वाले का मैं खून तक कर सकता हूँ। चाकू दिखा रहा है मुझे, धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ दौलत राम। कल सूरज डूबने से पहले अगर तूने मेरे भाई से माफी नहीं मांगी तो समझ लेना तेरी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जेलर से बदला लेने का यही एक मौका है। अंकुश तुम गए नहीं अब तक? अमर बड़े गुस्से में जा रहा है, क्या बात है? अरे कमबख्त, कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा, चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे? बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुझे भेजता हूँ ऊपर। पुलिस स्टेशन, अंकुश राज बोल रहा हूं, यहां दौलत राम का खून हो गया है, फौरन आ जाओ। अमर अभी तक घर नहीं आया है। नहीं, मैं उसी की राह देख रही हूँ। फिक्र मत करो, कल ही मैं सेठ दौलत राम जी से बात करके अमर और सीमा की शादी पक्की कर दूंगा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अमर शर्मा घर पे है? जी है। क्यों? सेठ दौलतराम का कत्ल हो गया। क्या? उनकी लाश के पास जो सबूत मिले हैं वो अमर को खूनी करार देते हैं। हमारे पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी है। वे कमिंग टू अरेस्ट हिम। या यू कैन कम। किसका फोन था? तुम सेठ दौलत राम के घर गए थे?
क्यों? आपकी बेइज्जती का बदला लेने। मेरी बेइज्जती का जवाब तुमने उसके खून से दिया। खून? खून? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सेठ दौलतराम का खून इसने किया। भैया, मैं किसी खून के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बचपन से लेकर आज तक आवारा गर्दी के सिवाय तुमने कुछ नहीं किया। काश एक बार मेरे आदर्श को अपना कर अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करते तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। वैसे भी आप मेरी बात का यकीन क्यों करेंगे? अरे सुन, चल साला, मैंने कुछ क्यों कर लिया? अरे साले यार, चल साले, दो चार दिन इस कोठरी में रहेगा, सब जान जाएगा। बास्टर्ड, ये क्या हो रहा है यार? अपने साथ मुझे क्यों मरवा रहा है? डर मत पॉल, जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें किस बात का डर? अरे अमर, यही तो टेंशन है ना, हमने मर्डर किया नहीं फिर भी हम लॉकअप में हैं। अगर मर्डर किया होता फिर लॉकअप में होते तो बात समझ में आती ना। लगता है किसी की साजिश का शिकार बन गए। साजिश? तो फिर अपनी करनी का फल तू भोग, मुझे क्यों हवालात की हवा खिला रहा है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। घुटता नहीं है साले, अच्छो अच्छों का दम निकल जाता है यहाँ पे। जिस दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा उस दिन समझोगे तुम। आखिर कब तक आंसू बहाती रहोगी? रोने से तुम्हारे डैडी तो तुम्हें वापस मिलने जाएंगे। अमर डैडी का खून क्यों करेगा? दौलत की हवस। हाँ, दौलत की हवस में आकर अमर ने तुम्हारे डैडी का खून कर दिया। बस अमर ने तुमसे प्यार नहीं किया, तुम्हारी दौलत से प्यार किया है, तुम्हारी बाप की दौलत से। डोंट वरी प्रिया, मैं अमर को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिया, शादी के बाद जो गाउन हमेशा के लिए उतार दिया था आज फिर उसे पहनूंगी। अमर के लिए वकालत करने जा रही है, और जब मैं कहता था तू उसे लाड प्यार से मत बिगाड़ो तब तुमने मेरी एक ना सुनी। आज देख लिया उसका नतीजा, आज वो एक खूनी बन गया है, उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगी उसे, क्योंकि मैं जानती हूं अमर बेगुनाह है, उसने कोई खून नहीं किया, अमर कभी खून कर ही नहीं सकता। शायद तुम्हारे प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जानती हो कि सारे सबूत सारे गवाह उसके खिलाफ है, शहर के बड़े बड़े वकीलों ने ये केस लेने से इनकार कर दिया है। तुम क्या चाहते हो, ये केस मैं ना लड़ू और तुम्हारी तरह उसे डांट कर भला बुरा कहकर खूनी समझ कर चुपचाप घर में बैठी रहूं? नहीं, ये केस मैं लड़ूंगी, अमर को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, चाहे सबूतों का फंदा कितना ही मजबूत क्यों ना हो। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है, पर क्या ये मेरे भाई को बचा सकेगा? योर ऑनर, सेठ दौलतराम के चौकीदार बहादुर सिंह ने अभी अभी बयान दिया कि वारदात की रात मुलजिम अमर कुमार बहुत ही गुस्से में अंदर जा रहा था, और उसने ये भी सुना था कि मुलजिम अमर कुमार सेठ दौलतराम को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। जिस छुरे से उनका खून हुआ, मुलजिम अमर कुमार की उंगलियों के निशान इस बात को साबित करते हैं कि सेठ दौलतराम का खून मुलजिम अमर कुमार ने ही किया। मिसेस शीला शर्मा, आपको इस चौकीदार से कुछ पूछना है? यस मी लॉर्ड। तुम सेठ दौलतराम के यहाँ कितने साल से हो? 3 साल से मैडम। क्या काम करते हो? चौकीदारी। सेठ जी का खून कहाँ हुआ था? उनके कमरे में। उनका कमरा गेट से कितनी दूरी पर है? सामने एक बड़ा गार्डन है, फासला 100 गज का होगा। अच्छा, जब अमर वहाँ आया था तो तुम क्या गेट पर थे? जी हाँ।
और तुमने अमर को अंदर जाने दिया? जी नहीं, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। वो बहुत गुस्से में थे, मुझे जोर से धक्का दिया और मैं जाके गेट से टकराया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर तुम्हें पता कब लगा कि सेठ जी का खून हो गया है? जब मैं होश में आया तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। यानी जब सेठ जी का खून हुआ तुम बेहोश थे? जी। That's all, तुम जा सकते हो। धन्यवाद। Your Honor, ये पॉइंट नोट किया जाए। अब मैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर से कुछ पूछना चाहूंगी। Yes, granted. सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, आपको कैसे पता चला कि छुरी पर उंगलियों के निशान अमर कुमार के? मुजरिम को गिरफ्तार करने के बाद उसके उंगलियों के निशान लिए जाते। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट लाश के पास मिले हुए हथियारों पर पाए गए निशान मैच कर लेते। मुझे अमर के उंगलियों के निशान और चक्कू पे पाए गए हुए निशान हूबहू मिलते हैं। मिलते हैं या थोड़ा सा फर्क है? जी नहीं, दोनों निशान एक ही शख्स के हैं। ओके, इसमें क्या है जरा देखिए। ये तो छुरा है। अब इस छुरी पर आपकी उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। जी। अगर मैं इस छुरी से किसी का खून करूं तो क्या मेरी उंगलियों के निशान इस छुरी पर आ सकते हैं? जी। जी नहीं। यानी कि खून मैंने किया है मगर पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि इस छुरी पर उंगलियों के निशान आपके हैं। सब इंस्पेक्टर रविंद्र कपूर, क्या ऐसा हो सकता है? जी जी हो तो सकता है। थैंक यू, यू मे गो। योर ऑनर, हर खून के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन अमर कुमार के लिए ये खून करने का कोई मकसद नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि अमर कुमार वहां गया था, गुस्से में था, हाथ में छुरा था। और ये भी सच है कि अमर ने सेठ जी को धमकाया कि आइंदा वो उसके भाई का अपमान ना करे। सरकारी वकील साहब भी ये मानते हैं कि अमर ने सेठ जी को धमकाया। अगर खून करना ही था तो अमर धमकाता ही क्यों? और इसके अलावा सरकारी वकील साहब ने ऐसा एक भी गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर कुमार को खून करते देखा हो। इन तमाम बातों से ये साफ जाहिर होता है मिलॉर्ड कि अमर कुमार बेगुनाह है। उस पर लगाए गए तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं और किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। That's all, मिलॉर्ड। योर ऑनर, वकीले सफाई का कहना है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा गवाह पेश नहीं किया जिसने अमर को खून करते हुए देखा हो, लेकिन एक गवाह मौजूद है योर ऑनर, वो है मोंटी भल्ला। मैं उससे सवाल करना चाहता हूँ। Yes, granted. तुम्हारा नाम? मोंटी भल्ला। उस दिन जब अमर कुमार सेठ दौलतराम के घर गया था, जी, तुम कहाँ थे? मैं अमर के साथ ही था। वहाँ क्या हुआ? वहाँ अमर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी की बेटी प्रिया उसे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। फिर सेठ जी तो शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन अमर प्रिया से शादी करने के लिए 20 लाख रुपए मांगने लगा। इसलिए तो अमर ने प्रिया को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। फिर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। अमर को गुस्सा आ गया, उसने अपने हाथ में वो छुरा उठा लिया और सेठ जी को धमकाने लगा कि अगर उससे पैसे नहीं मिले तो वो सेठ जी का खून कर देगा। नहीं यार, ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। ऑर्डर, ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेठ जी और अमर के बीच में तूतू-ममे शुरू। अमर गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगा और मैंने उसे मना करने की कोशिश की और मेरे मना करते करते अमर ने सेठ जी के पेट पे छुरा जो ऑर्डर ऑर्डर मोंटी हरामजादे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आई किल यू बास्टर्ड, आई किल यू। व्हाट इज एडजर्ड? तुम्हारा नाम? जेलर साहब को मालूम। तुम्हारे बाप का नाम? ये भी जेलर साहब को मालूम। जेलर साहब को ये भी मालूम है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर रखा रहता है, जिसकी वजह से आज तुम एक
खूनी बनकर यहाँ खड़े हो। मैंने कोई खून नहीं किया जिला साहब, मैं तो उससे सिर्फ यही पूछने गया था कि तुमने मेरे भाई का अपमान क्यों किया। हाँ, तुम्हें मेरी मान अपमान की बड़ी चिंता है ना? इतने सालों में बनाई हुई इज्जत एक मिनट में मिटा दी। मेरे माथे पर लिख दिया कि मैं खूनी का भाई हूँ। मैं सच कहता हूँ भैया, मैंने कोई खून नहीं किया। अरे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी किसी बात का विश्वास नहीं किया। जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई पर विश्वास न करे तो ये जनता की अदालत क्या विश्वास करेगी? तुम्हारे इस लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। सारे गवाह सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। ले जाओ इसे। बच्चों ने खाना खा लिया? नहीं। क्यों? कहते हैं भूख नहीं है। भूख नहीं है या खाना नहीं खाना चाहते? उसके जेल जाने से दुनिया में काम तो नहीं रुक जाएगा। खाना लगाओ, मैं खाना खाऊंगा। शरीफ आदमी के इधर क्या काम है? सब तकदीर का खेल है ओमेन, तकदीर का खेल। तकदीर? तुमने उस दिन ठीक ही कहा था ओमेन, जो जितना डरेगा उतना मरेगा। जुर्म की दुनिया से मैं जितना ही दूर जाना चाहता था उतना ही करीब आता जा रहा हूं। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है। अरे यार, तुम ऐसा वैसा नहीं फंसा है मैन, बहुत बुरा फंसा है। इधर का जेलर बहुत जालिम है, मालूम है? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। वो मेरा बड़ा भाई है। वो तो तुमको खुश हो जाना चाहिए मैन, वो तो तुमको मदद करेगा यहाँ से निकालने में। मेरे भैया उनमें से नहीं है जो अपने उसूलों पर रिश्ते को कुर्बान कर देते। उनकी नजर में अब मैं उनका भाई नहीं, एक मुजरिम। अरे मेरी बात मानो मैन, तुम यहाँ से भाग निकलो, हम तुम्हारी मदद करेगा। तुम क्या समझते हो, ये जेल की दीवारें मुझे रोक लेंगी? तो फिर तुमको रोका किसने मैन? मेरी बदकिस्मती है, अगर इसकी जगह कोई दूसरी जेल होती ना तो मैं कब का भाग गया होता और अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे दिया होता। मगर यहां से भागने का मतलब है मेरे भाई पर इल्जाम। लोग कहेंगे कि उन्होंने मुझे भागने में मदद की थी और मैं अपने भाई के करेक्टर पर ऐसा कोई भी दाग लगाकर अपनी खुशियों की चराग नहीं चला सकता। वाह, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। अब मुंह धोने से कोई फायदा नहीं, एक बार जो कालिख मुंह पर लग गई वो लग गई। अब तो तेरी माशूका भी तुझे नहीं देखेगी। वैसे तू फिक्र मत कर, मैं बाहर जाकर उसे संभाल लूंगा, क्योंकि तू तो बाहर जा नहीं सकता, जेलर का भाई है ना। अरे वो जेलर इतना कमीना है कि अपने भाई क्या अपने बाप को भी ना छोड़े। क्यों सुन नहीं सकता क्या? ठीक ही तो कह रहा हूं, अपनी शान दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी का डंका बजवाने के लिए अपने भाई को अंदर करवा दिया। अबे सुन, अरे ऐसे भाई से तो दुश्मन अच्छा एक कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता भी अपने पिल्लों की हिफाजत के लिए काट खाने को तैयार हो जाता है। और तेरा भाई, अरे तेरा भाई तो कुत्ते से भी गया पीता है। Yeah!
ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बाय द वे, ये अमर कौन है? हमारे भैया हैं। बेहोशी में भी आपकी पत्नी अमर को याद कर रही है, कहाँ है वो? जी देखिए, उसे यहाँ बुलाइए, दवाई से ज्यादा उसका आना असर करेगा। क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ भैया, वो हॉस्पिटल में है और बेहोशी की हालत में सिर्फ आप ही को याद कर रही है। हमें तो डर है कहीं भाभी को कुछ हो ना जाए। नहीं मुन्नी, तू फिकर मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी को। चलो मुन्नी, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। चलो। ए, चल खाना दे। सर, अमर जेल से भाग गया। शहर के हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, ठीक है? रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। मैं जेल तोड़ कर आया हूँ भाभी। क्या, ये तुमने क्यों किया अमर? नहीं भाभी, तुम्हारी ये हालत सुनकर मुझसे रहा नहीं गया भाभी। ये तुमने अच्छा नहीं किया अमर, इससे तुम्हारा केस और उलझ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाभी, फांसी हो जाएगी ना? फांसी लगे तुम्हारे दुश्मनों को। अमर, तुम्हारा दोस्त मोंटी ही इस केस के ताले की चाबी है। उसने पैसों के लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ झूठी गवाही दी है। राजू,
भैया, भैया। मुन्नी, राधा। मुन्नी, क्या दरवाजा बंद करके आ? भैया, बड़े भैया आ रहे हैं। अमर, तुम भाग जाओ यहाँ से, प्लीज भाग जाओ, जाओ अमर। दवाई ली है? हाँ भैया, भाभी ने आज दो बार दवाई ली है। जानती हो, तुम्हारा लाडला देवर जेल से भाग गया है। क्या जेल से भाग गया? हाँ, एक के बाद एक गुनाह करता जा रहा है, भगवान भी चाहे ना उसे बचा नहीं सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। प्रिया, होश में आओ। प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी बात तो सुनो प्रिया। अब सुनने को बाकी रहा ही क्या? You have killed my father. I have not killed your father, प्रिया। हर मुजरिम यही कहता है। मुझे मुजरिम कहकर अपने प्यार को गाली मत दो प्रिया। प्यार प्यार प्यार, तुम छोटे लोग क्या जानो कि प्यार का मतलब क्या होता है? तुम लोगों की जिंदगी का तो मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। पैसा पाने के लिए तुमने मेरे डैडी का खून कर दिया, मेरे प्यार का खून कर दिया। आई एम सॉरी प्रिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं खूनी नहीं हूं प्रिया। आखिर तुम तो मुझे गलत मत समझो। अरे मौत से बढ़कर क्या सजा हो सकती है मुझे? खुशी खुशी फांसी का फंदा अपने गले में लगा लूंगा, मगर मैं अपने प्यार पर बदनामी का दाग नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रिया। जरा सोचो प्रिया, मैं तुम्हारे डैड का खून क्यों करूंगा? हाँ प्रिया, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें जवाब खुद ही मिल जाएगा। हाँ प्रिया, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी, तब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ पाऊंगा, और जब तक मैं असली कातिल को नहीं पकड़ता, तब तक ये सारी दुनिया मुझे ही कातिल समझेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया, आई लव यू, आई लव यू प्रिया। काले काले पे काला काला
चल बैठ गाड़ी में, जल्दी कर। सर सर सर, मैं मोंटी बोल रहा हूँ। सर आपने सुना है ना, वो अमर जेल से फरार हो गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बाहर डालेगा। सर आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। कहाँ से बोल रहे हो? सर क्वालिटी रेस्टोरेंट के सामने से। डरो मत, मैं विक्की को भेज रहा हूँ। रुक जाओ अमर, मैं कहता हूँ कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यही वो सुराग है जिससे मुझे मोंटी का पता मिल सकता है। कौन? अरे आ रहा हूं भाई। अमर तू यहां से? बताता हूं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कम इनसाइड। दरवाजा बंद करो। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाभी, अमर को गोली लगी है। अमर इस वक्त कहाँ है? मेरे घर पे है। मैं अभी आ रही हूँ। अमर, भाभी ये सब क्या है? अमर कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। ये भाई साहब का दिया हुआ तोहफा है। मेरी बातें छोड़ो भाभी, आप पहले ये बताओ कि आप सब कैसे हो? आपके बिना घर एकदम सोना है भैया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अमर उन्होंने तुम्हारे ऊपर गोली क्यों चलाई? इसमें भैया का कोई दोष नहीं भाभी, वो तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। कहां गए थे? तुम लोग कहां गए थे? कहाँ गई थी तुम? आपको क्या, हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी खाए, कहीं भी रहे। होश में आकर बात करो। होश तो आप खो बैठे हैं अपनी नौकरी और अपने झूठे उसूलों के चक्कर में। आपको जरा भी ख्याल नहीं आया अपने परिवार का? मैं पूछती हूँ कि अगर आपकी पिस्तौल की गोली अमर के हाथ की बजाय उसके सीने में लग जाती तो? कहाँ है अमर? ये आपकी जेल का कोई सेल नहीं है जहाँ आपके डर से कोई भी कुछ भी बता देगा। ये घर गृहस्थी का मंदिर है। मैं पूछता हूँ अमर कहाँ है? ये लीजिए भैया, आपके इस पिस्तौल में चार गोलियां आप ही भी बाकी हैं। हमें मार दीजिए लेकिन फिर भी हम आपको अमर भैया का पता नहीं बताएंगे। तुम लोग सब मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हो? क्या कसूर है मेरा? बस इतना कि मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, अपने फर्ज के प्रति वफादार हूं। ईमानदारी और वफादारी का सबक बचपन में ही मेरे माँ बाप ने दूध के साथ पिलाया मुझे। पर अमर कसूरवार नहीं है, उसने कोई खून नहीं किया है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। यकीनन अमर किसी साजिश का शिकार हो गया। तो फिर चोरों की तरह जेल तोड़कर क्यों भाग गया? कानून पर उसे भरोसा क्यों नहीं? अपने भाई पर उसे भरोसा क्यों नहीं? मेरे सिने में भी दिल है, जज्बात है, भावना है। कौन भाई अपने भाई पर गोली चलाना चाहता है? मैंने उसे बहुत समझाया कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे, मगर नहीं,
उसने मुझे गोली चलाने पर मजबूर किया। गोली उसे जरूर लगी मगर जख्म मुझे लगा, जिसका इलाज जिंदगी भर नहीं हो सकता, जिंदगी भर नहीं हो सकता। ताला, अरे बंगले वाले बाहर गए, काफी माल है अंदर, इससे पहले कि बंगले वाले आ जाएं, मैं अंदर जाके साफ सफाई करता हूँ, ताकि इस कंगले का भी एक छोटा सा कुटिया हो जाए। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा सूली पे। गुजार। ये है जादू का डब्बा। है कि जादू का डब्बा है? मैडम आप यहाँ से बात करेंगे ना तो दुनिया के दूसरे कोने में सुनाई देता है। अच्छा? ये है टेलीफोन मशीन। आज तो तरक्की का जमाना है ना, एक से एक मशीन निकली हुई है। अभी एक मशीन निकली है जिसमें बकरा डाल दो तो उसके बदन के सारे पुर्जे अलग अलग निकलते हैं। अच्छा, फेफड़े, कलेजे वगैरह वगैरह। ये तो कुछ भी नहीं है, एक और लेटेस्ट मशीन निकला है जिसमें बकरे के पुर्जे, फेफड़े, कलेजे, अंतड़ियां, वजड़ियां, खाल, गोबर डाल दो, बकरा निकलता है यहाँ से बनके। अरे तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। अरे मैडम मेरा क्या कमाल है, कमाल तो इसका है, आप गैराज में जब आप घर पे नहीं होंगी ये बताता है कि कौन आया कौन गया, इसके अंदर ऐसा आदमी बैठा हुआ है सारा मैसेज जो है टेप करता है। अरे ये तो आंसरिंग मशीन है। क्या बोला? आंसरिंग मशीन है ये तो। अच्छा वही तो बोल रहा है, आंसरिंग मशीन। अच्छा अच्छा, कितने पैसे दे दूं मैं आपको? आपके पास जितने पड़े दे दीजिए, क्या है? मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, प्लीज अपना नाम और टेलीफोन नंबर लंबी बीप के बाद छोड़ दीजिए, मैं बाद में कॉन्टेक्ट करूंगी, थैंक्स। मैं आपसे बाद में कॉन्टेक्ट करूंगी, थैंक्स? मेरे कार विच टेलीफोन, फैक्स, आंसरिंग मशीन, मेरी तनख्वाह तो बड़ी काटते। एक तू आइए, रोमा डार्लिंग, डार्लिंग रोमा, डार्लिंग कम हियर। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? डार्लिंग, डार्लिंग ये क्या है? ऐसा टेलीफोन फैक्स मशीन है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने उसे चोर से खरीदी है? हाँ, उसी से लिया। मैंने मना किया था ना डार्लिंग। मैंने सोचा एक तो आप ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो और मुझे कोई गलत तो करना नहीं है, फिर रिश्वत के पैसों से जितने कपड़े मैंने आपके लिए खरीदे थे सब बेच दिए और उसी से मैंने ये आंसरिंग मशीन खरीद ली। शट अप। ए, तू की कह रही है डार्लिंग, तू की कह रही है? चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, जुर्म। मैं इसे पुलिस स्टेशन में जमा करा दूंगा। नहीं मैं इसे नहीं दूंगी। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे अरे मैं ले जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे कैसे नहीं दोगी? अरे कैसे नहीं दोगी? अमर बड़े गुस्से में चला रहा है, क्या बात है? नहीं मैं कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा, चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ, यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे। मैं इसे फंसाऊंगा,
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझे भेजता हूं ऊपर। ये क्या बदतमीजी है? हाँ अंकुश राज, मैं जानता हूं कि दौलत राम का खून तुम्हें नहीं किया है और इसका सबूत मेरे पास है। पापियों का अंत करने वाले तुमसे पहले कई अवतार ले चुके हैं, लेकिन इस धरती पर ना पाप खत्म हुआ है और ना ही पापी। तुम बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हो कि सारी दुनिया तुम्हारे इशारे पर नाचेगी? जितना चाहो देश को लूटोगे, जब चाहो किसी को मार डालोगे, चाहे जिस पर खून का इल्जाम लगाओगे, तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर अंकुश राज। ये खेल तुमने शुरू किया था तुमने जब मेरे भाई को जेल में डाला था। देखो मेरे भाई को आराम से आजाद घूम रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई फांसी के फंदे से नहीं बच सकता। ए, ए, ए। ये खेल तुमने शुरू किया था तुमने, मैं खत्म करूंगा। तुम्हारे भाई को फांसी होगी और एक दिन तुम खून के आंसू रोगे। लेकिन आज तुम रोना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत राम के खून के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूं। तुम होते कौन हो मुझे गिरफ्तार करने वाले? है? अभी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तुम समझते क्या हो मुझे यहां से ले जा सकते हो? तेरे भाई को गोली मार दूंगा और कल अखबार में खबर छपेगी कि कुछ गुंडे पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। कमिश्नर साहब को खबर कर दो और उन्हें यह भी खबर कर दो कि दौलत राम के खूनी को मैं उनके ऑफिस लेकर आ रहा हूं। ये सब क्या है सर? ये अंकुश राज ही दौलत राम का खूनी है। क्या सबूत है? सुनिए, अमर बड़े गुस्से में जा रहा है। क्या बात है? अरे कमबख्त, कह रहा था जाके मेरे भाई से माफी मांगो वरना जान से मार दूंगा। चाकू दिखा के मुझे धमकी दे रहा था। यही चाकू? हाँ। यानी इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होंगे? बेशक। ये तो जेलर का भाई है ना? हाँ उसका भाई है। इसके भाई ने मेरे भाई को फंसाया था, अब मैं इसे फंसाऊंगा। वो कैसे? तुमने मुझसे 2 करोड़ मांगा था ना? हाँ, नहीं नहीं। तुम मुझे फुटपाथ पे बेचने वाले थे ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझे बेचता हूं ऊपर। अंकुश राज, अब फांसी का फंदा तुम्हारी गर्दन में होगा। मर गए मेरे भाई को फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले। कमिश्नर साहब, जिस कैसेट के बलबूते पर जेलर साहब इतना कूद रहे हैं, जरा ये कैसेट भी सुन लीजिए। यस। क्या कहा था
किया तुमने मेरे भाई से। उन्होंने मुझे तुम्हारी मालदार बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ये दौलत हड़प कर सकूं। अरे थूकता हूं मैं तुम्हारी इस दौलत पर। तो जाओ बाहर जाके थूको। क्या क्या करने आए हो? ये पूछने आया हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का अपमान करने की। अपमान किया तो क्या हुआ, क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा अभी बताता हूँ दौलत राम। कमिश्नर साहब अब आप ही बताइए असली खूनी कौन है। मिस्टर सिद्धांत मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर चुके। सर जानते हो कितना बड़ा इज्जतदार आदमी है ये, कितनी बड़ी पोजीशन है शहर में इनकी। अगर ये चाहें तो तुम एक सेकंड में सस्पेंड करा सकते हैं। सॉरी सर, आप सिफारिशों के बोझ तले दबे हुए हैं। बिहेव योरसेल्फ सिद्धांत, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आईपीएस ऑफिसर से। क्या मैं ये जानने का हक रखता हूँ एक आईपीएस ऑफिसर के सामने एक आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड करने का हक इस जैसा आदमी कैसे रख सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात हमारे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो सकती है सर? आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार का फर्ज निभाना है, एक बड़े भाई का फर्ज निभाना है। आज के युग में सच्चे इंसान की कोई कीमत नहीं है, वफादारी की कोई कीमत नहीं है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। मैं अपने फर्ज की खातिर मन को मारकर भाई के रिश्ते तक को कुर्बान कर दिया। शिला, मैं बचाऊंगा अपने भाई को। जिन लोगों की साजिश का शिकार मेरा भाई हुआ है उन लोगों का पर्दाफाश करके मैं अमर को बेगुनाह साबित करूंगा। अमर को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको मोंटी चाहिए? ये मुझे आपने कहां फंसा दिया? मैं अपने दोस्त अमर को अच्छी तरह से जानता हूँ। इंतकाम का जुनून जब उसके सर पर चढ़ जाएगा वो जख्मी शेर की तरह बन जाएगा। मुझे तो वो हरगिज नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपके लिए भी वो मुसीबत बन जाएगा। हाँ मेरे लिए? वाह, जैसे कि आप जानते ही नहीं सेठ दौलतराम का खून अमर ने नहीं आपने किया था। हाँ आपने। Don't you bloody say that. आइंदा ये बात अपनी जुबान पर कभी मत लाना, इसीलिए तुम्हें पैसा दिया गया समझे? विकी। जी भैया। आज शाम की फ्लाइट से इसे दिल्ली भेजना है और तुम वहां से सीधे फौरन जाओगे। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अंकुश राज के घर से मुझे अभी अभी पता चला है कि उन्होंने अमर को विक्की के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाया है। तुम कहाँ से बोल रही हो? आप मेरी चिंता छोड़िए, आप फौरन जाकर विक्की को एयरपोर्ट पे पकड़ लीजिए, वो आज 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है। प्लीज। ठीक है। समझ गया ना जेलर, अब चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ वरना तुम्हारे भाई की जान को खतरा हो सकता है। चलो। आइए जेलर साहब,
मोंटी को पकड़कर तुम अपने भाई को बेगुनाह साबित करना चाहते हो, लेकिन वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं मेरा साथ दिया है। वो देखो, तुमने मोंटी को पकड़कर कौन सा तीर मारा है? ये तो पैसों के लिए घास भी खाता है। इसे कुछ रुपया और दूं तो ये तेरा भी खून कर देगा। अंकुश राज, ये सच है कि उस वक्त मैं पैसों के लिए घास खाया करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। अब मैं जेलर साहब के साथ हाथ मिलाकर तुम जैसे गुंडों और गुनेगारों को सजा दिलवाऊंगा। इसको लेके जाओ। जेलर साहब, ज्यादा टेंशन लेकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जरा इस टीवी की तरफ देखो। से तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब देखो, जेलर, तुमने मेरे भाई को अलग करने की बहुत कोशिश की, मुझे खून के आंसू तक रुलाए। अब शतरंज की बाजी बना गई, अब बाजी मेरे हाथ में। अमर, तुम अपने भाई को तब तक मारोगे जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। कहीं तुम्हारे हाथ भाई के लिए जज्बात में रुक गए तो फिर मैं जज्बाती हो जाऊंगा, समझे? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो अब शुरू हो जाओ। भैया उठ, उठ, नहीं उठ। हमारा एक जिंदगी गवा दे, तेरे हाथ में छह जिंदगी है। मार मुझे, शायद भगवान की यही मर्जी है। रे मार, मैं आपको नहीं मार सकता भैया। मैं कहता हूँ मार, मैं नहीं मार सकता। मार, मार मुझे, नहीं मार, मार, मार कहता हूँ मार, मार मुझे, मैं आपको, मैं कहता हूँ मार, भैया, मार, come on, मार मुझे, ना मार। Thank you.
सबूतों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दफा 302 के तहत ये अदालत कत्ल के जुर्म में इन मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। What? I'm going to die. I'm going to die.